कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता मिशन अब छोटे छोटे नगरों तक पहुंच चुका है। इसी के चलते शाजापुर जिले के नगर परिषद पानखेड़ी काला पीपल के आला अधिकारी भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्क हो चुके हैं। कोरोना वायरस के कारण नगर के सभी जिम एवं उद्यान आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की दस्तक के साथ ही नगर परिषद कार्यालय स्थित नेहरू बाल उद्यान आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। यहाँ जिम में नगरवासी रोजाना कसरत करने के लिए आते हैं, वहीं शाम को झूला झूलते बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे पहुँचते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यहाँ किलकारी गूंजना अब बंद हो गई है। वहीं शहर में नगर परिषद द्वारा दवाई का छिड़काव किया जा रहा है ताकि शहर वासियों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। देश में महामारी घोषित हो चुकी, कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। शाजापुर जिले के कालापीपल नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन कुमार मिश्रा ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु आमजन को सुझाव एवं स्वच्छता बरतने का मुनादी के माध्यम से अनुरोध किया है। वहीं आमजन से जनता कर्फ्यू में सहयोग देने की अपील करते हुए व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आह्वान किया है। कोरोना वायरस जो है इससे इसके संक्रमण से बचाव के लिए नगर के अंदर हमने विशेष रूप से जो नियमित हमारी सफाई होती है उससे हट करके विशेष सफाई अभियान शुरू करवाया है। नाले नालियों में सफाई शुरू हो गई है, क्रमवार वार्डों के अंदर भी सफाई होगी। साथ ही हमारे फिनाइल का छिड़काव, कीटनाशक पाउडर का छिड़काव इसको शुरू करवा दिया है। नगर परिषद द्वारा जो ये नेहरू बाल उद्यान है इसको भी मतलब कि आज से हम इसको 31 मार्च तक के लिए बंद कर रहे हैं और आगामी आदेश जैसी स्थिति में। साथ ही नगर में जिम है या सार्वजनिक स्थल जहां बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं उसके लिए मैं मुनादी करा रहा हूं ताकि ये सब बंद रहे। सार्वजनिक समारोह भी 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगे आगामी आदेश जैसी। गौरतलब है कि चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैली कोरोना वायरस को अब महामारी घोषित किया जा चुका है। वहीं भारत में दिनों दिन बढ़ती कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या ने पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। खबर मध्य प्रदेश के लिए काला पीपल से संदीप गहलोत की रिपोर्ट।